क्वेश्चन नंबर एट क्या है? क्वेश्चन नंबर एट है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ. ठीक है, तो विड्थ के अलोंग रोल करना है. बहुत आसान है. क्वेश्चन नंबर एट देखो इस तरीके से. क्वेश्चन नंबर एट, अगर ये एक रेक्टेंगुलर पेपर है, इसको अगर आप, और ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इसको अगर आप रोल करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा. ठीक है, तो ये जो ब्रेथ थी ना, ब्रेथ ये यहाँ आ जाएगी इसकी हाइट. ओके, और ये जो ऊपर सरकमफ्रेंस है ना, मैं आपको रेड से इसको हाईलाइट करके बताता हूँ. दिस ये जो है ना, दिस विल बी, इसकी जो लेंथ आ जाएगी दैट विल बी एल. ओके, तो वो तो सरकमफ्रेंस है, तो इट विल बी 2 पाई आर. ठीक है, इज इक्वल टू एल. तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, व्हाट इज गिवन टू यू, अ सिलिंड्रिकल इज फॉर्म्ड बाय अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर विड्थ. ठीक है, तो विड्थ कितनी थी, 14 सेंटीमीटर. तो बी आपको दिया था, बी आपको दिया था 14, ये बी कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन में. ठीक है, ओके, तो ये जो हाइट आ जाएगी इसकी, दिस विल बी 14 सेंटीमीटर. और आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज गिवन टू यू, जब ये सिलेंडर फॉर्म होगा तो उसकी जो रेडियस होगी दैट विल बी 20 सेंटीमीटर. तो रेडियस इज ऑल्सो गिवन टू यू, यहाँ नीचे शो करता हूँ, दिस रेडियस इज गिवन टू यू 20 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके, छोटा बन गया थोड़ा सा. ओके, कोई बात नहीं. व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. अरे पाई की वैल्यू 22.7 लेनी है. तो हमारे पास हाइट भी है और हमारे पास रेडियस भी है, तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच होता है. ठीक है, ओके, तो मैंने बच्चों को बताया कि 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज हाउ मच गिवन टू यू, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर. सो 20 × 20, हाइट इज हाउ मच, 14 सेंटीमीटर. तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. इट्स रोल्ड अलॉन्ग इट्स विड्थ. ठीक है, सपोज इफ दिस इज अ पेपर, अगर ये पेपर है, देखो अब स्क्रीन बहुत छोटी है, इसमें दिख नहीं रहा है. इफ दिस इज अ पेपर, ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो मैं टच कर रहा हूँ, ये तो लेंथ है और ये विड्थ है, तो मैं विड्थ के अलॉन्ग रोल कर रहा हूँ, तो उसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा विड्थ से और उसके अलॉन्ग ऐसे रोल करूँगा. ठीक है, इस तरीके से ऐसे दिखाता हूँ. तो मैंने विड्थ पकड़ी, विड्थ पकड़ के इसको मैं रोल कर रहा हूँ. ठीक है, इसको कहते हैं रोल अलॉन्ग इट्स विड्थ. अब ये रोल नहीं हो रहा है, चलो हो गया रोल. ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से सिलेंडर विल गोइंग टू फॉर्म. ठीक है, ये एक सिलेंडर बन गया. अगर बोलता रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ, तो मैं लेंथ पकड़ता, ये लेंथ होती, फिर मैं इसको ऐसे रोल करता ऐसे, तो फिर एक ऐसा सिलेंडर बनता. ठीक है, तो जो इस सिलेंडर की हाइट होती है वो क्या होती, जो इसकी लेंथ थी, इस रेक्टेंगुलर पेपर की जो लेंथ थी वो फिर सिलेंडर की हाइट हो जाती. लेकिन जब हमने विड्थ के अलॉन्ग उसको रोल करा, तो जो विड्थ थी वही हाइट हो गई. चलो आई होप समझ में आया हो. मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर. व्हाट इज द आंसर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9th, ये क्वेश्चन नंबर 8th है. 8th का आंसर बताओ मुझे, कितना वॉल्यूम आ रहा है, 7 × 2 = 14. अरे कैलकुलेशन इजी है. ठीक है, सो दिस विल बी 4 × 2 = 4, 88 × 2, 8 to the 16, करीबन 176, दो जीरोज लगा देना, 176 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, चलो, वेरी गुड.